टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर चुके एक्टर करण मेहरा ने प्रोफेशनल लाइफ में खूब नाम कमाया है। 31 मई के बाद से ही करण की इमेज तार तार हो चुकी है। हाल ही में निशा की शिकायत पर करण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि करण जमानत पर छूट चुके हैं, लेकिन उनके सामने अब हजारों ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद ही वो दे पाए। इस बीच निशा ने करण पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप भी लगा दिया था। करण ने निशा के हर आरोप को गलत ठहराया है, लेकिन अब उनका ही एक कमेंट उनके लिए मुसीबत बन चुका है। दरअसल इन दिनों करण मेहरा एक पंजाबी टीवी शो माठा ठंडिया छावा में नजर आ रहे हैं। इस टीवी शो में करण के ऑपोजिट हिमांशी पराशर नजर आती है। कम समय में ही करण और हिमांशी के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग नजर आती है। हिमांशी के एक वीडियो पर करण ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि अब फैंस ये रिश्ता क्या कहलाता है फिल्म एक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हिमांशी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो को शेयर करते हुए हिमांशी ने बताया कि सीन की शूटिंग करते करते उन्हें हंसी आ गई। इस पर करण मेहरा ने लिखा कि मैंने कहा था कि इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि आप जमीन पर आ जाओ, आपके साथ ही क्यूट मोमेंट था और आपके साथ शूटिंग करके बहुत मजा आया। करण मेहरा और हिमांशी के इस लवी डवी कमेंट्स को पढ़कर फैंस का गुस्सा उन दोनों पर फूट पड़ा है। करण मेहरा और हिमांशी को ताना मारते हुए एक यूजर ने लिखा कि कविश का क्या होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि करण मेहरा जैसा इंसान इस समाज के लिए धब्बा है। निशा रावल ने अपने हालिया स्टेटमेंट में कहा कि अपने बेटे कविश की वो कस्टडी लेंगी। निशा का दावा है कि करण मेहरा अपने बेटे के साथ नहीं रहना चाहते हैं और इसी वजह से वो कविश की जिम्मेदारी खुद लेने वाली है। निशा के क्लोज फ्रेंड रोहित वर्मा ने खुलासा किया है कि जल्द ही वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाने वाली हैं। निशा ने आरोप लगाया है कि करण ने उनके सिर को दीवार पर दे मारा था और जिसके बाद उनका सिर फट गया था। खून से लथपथ निशा रावल की तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। रोहित वर्मा ने अपने इंटरव्यू में काफी कुछ बताया है कि निशा ने अपने चेहरे के घाव को भरने के लिए ये फैसला किया है कि वो जल्द से जल्द प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली हैं।